हैं मनीष सिसोदिया से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। दिल्ली आबकारी मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। आबकारी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की चार्जशीट पर सुनवाई होने वाली है राउज एवेन्यू कोर्ट में। यह चार्जशीट दायर की है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने, और प्रवर्तन निदेशालय की इस चार्जशीट में नाम है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का। तो जिस चार्जशीट में सिसोदिया का नाम है उसी चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। ये चार्जशीट है मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी, दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़ी, और इसमें सिसोदिया का नाम ईडी ने डाला है। और मेरे सहयोगी राजू राज मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजू, कौन से नंबर का केस है, कब तक इस मामले पर सुनवाई होने की संभावना है कोर्ट में? हार्दिक बता दूं कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ हाल में ही ईडी ने पांचवी चार्जशीट इस पूरे मामले में दाखिल की, और इस चार्जशीट में कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना है जिसके बाद इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई शुरू होगी। क्योंकि चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम का जिक्र किया गया था कि कैसे मनीष सिसोदिया ने साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाया, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की चीजें थे, कई जो एक्सपर्ट की राय थी उसे अनदेखी की गई। मनीष सिसोदिया इसके मास्टरमाइंड है, तमाम चीजों को इस चार्जशीट में जिक्र किया गया था। हालांकि चार्जशीट में और कई महत्वपूर्ण बातें जो कॉग्निजेंस लेने के बाद जब वो पब्लिक डोमेन में आएगा या फिर वो मनीष सिसोदिया के लॉयर के पास वो चार्जशीट पहुंचेगी तो तमाम चीजों का और खुलासा हो सकता है। लेकिन जब तक कोर्ट में कॉग्निजेंस इस पूरे मामले में कोर्ट संज्ञान नहीं लेती तब तक ये पब्लिक डोमेन में नहीं आता है। जो सूत्रों के हवाले से खबर है सामने आई थी कि मनीष सिसोदिया के इसमें मास्टरमाइंड के तौर पर बताया गया था कि उन्हीं के इशारे पर जो साउथ लॉबी है उसे फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी, जो एक्सपर्ट की राय थी उसे अनदेखी की गई, और खुद एक जो मेल किया गया था, मेल में तमाम उन लोगों को लागू होने से पहले वो मेल किया गया था, तमाम जानकारी पहले दी गई थी। इस चीज का जिक्र इस चार्जशीट में की गई थी और इस चार्जशीट में आज कॉग्निजेंस लेना और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर पर अब तक जो तमाम जो दूसरे चार्जशीट दाखिल हुए थे उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, लेकिन जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में तमाम जो फैक्ट्स को कोर्ट ने बताया ईडी की तरफ से, उसके बाद उन्होंने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की और उसमें मनीष सिसोदिया का नाम का जिक्र किया है। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का क्या क्या रोल है, कैसे इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया, कैसे पैसे को रूट डाइवर्ट किया गया, गोवा चुनाव में पैसे लगाए गए, इन तमाम बातों का जिक्र है। लेकिन कॉन्क्लूजन लेने के बाद तमाम चीजें सार्वजनिक होगी मनीष सिसोदिया की भूमिका के बारे में। तो आज इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में कॉन्क्लूजन दिया जाएगा जिसमें के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब लगातार मनीष सिसोदिया की तरफ से इस पूरे मामले को कहा गया था, एक चुनी हुई सरकार थी और एक्साइज पॉलिसी लाना, किसी पॉलिसी को लाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो इसमें मनीष सिसोदिया की तरफ से किसी तरह की अनदेखी नहीं की गई। सीबीआई और ईडी जितनी बार इस पूरे मामले में जांच की थी उन्हें कोई भी एविडेंस इस पूरे मामले में नहीं मिला था। मनीष सिसोदिया को जानबूझकर फंसा रहे, तमाम बातें सामने आ चुकी है। अब देखना होगा कि इस कॉग्निजेंस लेने के बाद मनीष सिसोदिया के लॉयर मनीष सिसोदिया के पक्ष में, उनके बचाव में क्या क्या दलीलें रखते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। राजू, अगर 10 मई को जो सुनवाई हुई थी इसकी बात करें तो उस सुनवाई के बाद वो सुनवाई टल गई थी 19 मई के लिए। आपको क्या लगता है, क्या ये केस अभी और लंबा चल सकता है? जिस तरह से इस पूरे केस को हम देखें, आप ओवरऑल केस को देखिए, सिसोदिया का जेल से बाहर आना फिलहाल कितना मुश्किल और कितना संभव? देखिए, फिलहाल तो अभी कोई राहत की उम्मीदें नहीं है, चूंकि ये मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है, पांचवी चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आप कह सकते हैं। और ऑलरेडी राउज एवेन्यू कोर्ट में, चाहे वो सीबीआई का मामला हो चाहे ईडी का मामला हो, दोनों मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी। दूसरी ओर उनकी जमानत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगी हुई थी जिसमें से कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा था, और मनीष सिसोदिया के दलील से तरफ से उनकी उनके पत्नी से बात करने के लिए 3 से 4 बजे का समय भी निर्धारित किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बात कर सकते हैं। इन तमाम बातों का जिक्र जरूर हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में उनके जमानत को लेकर अभी ऑर्डर रिजर्व रखा है। चूंकि
ऑर्डर रिजर्व रखा गया वो सीबीआई वाले मामले में, ईडी वाले मामले में अभी सुनवाई नहीं होनी है, तो अभी लंबा वक्त लग सकता है मनीष सिसोदिया को, और इसलिए फिलहाल मनीष सिसोदिया की कोई राहत की खबर नहीं है। अगर ये पांचवी चार्जशीट होती है फिर इस पूरे मामले में जो गवाह है, विटनेस है, उनकी गवाही होगी और केस को ट्रायल पे ले जाएगा, तो फिलहाल इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया के लिए राहत की खबर फिलहाल तो दिखती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल राजू, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।